और एक बच्चों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो है अपनी स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन में होता क्या है, नाइट्राइल्स का कन्वर्जन बच्चों एल्डिहाइड्स में होता है, ठीक है। नाइट्राइल्स का कन्वर्जन किस में होगा, एल्डिहाइड में होगा। तो ये मैंने ले लिया एक सारा तुमको नाइट्राइल, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 2 moles ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, और साथ ही में इसमें अंदर मैंने कैटलिस्ट डाल दिया SnCl2, ठीक है, इसमें कैटलिस्ट डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में का जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, 3 bonds दिख रहे हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन सबसे पहले डबल बॉन्ड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड N। तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में हो गया। वो होने के बाद अपने पास 2 hydrogen वैल्यू बैठे इधर, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के पास, दूसरा हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन आ गया कार्बन के पास और एक आ गया नाइट्रोजन के पास। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, मतलब अगले एडिशन हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक आ गया यहाँ पर और एक आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये HCl घूम रहा है ना भाई साथ में, तो ये HCl क्या होगा, इसके विसिनिटी में ये भी घूमेगा, ठीक है। HCl क्या करेगा, नाइट्रोजन के विसिनिटी में घूमते चले जाएगा। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा H3O+, ठीक है, डाल दिया। अब बच्चों इसमें आगे होगा क्या, आगे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा ब्रेक। डबल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड भी हो जाएगा ब्रेक, और उसमें से क्या हो जाएगा, जो OH है OH चले जाएगा कार्बन के पास, और ये 2 hydrogen से ये 2 hydrogen चले जाएंगे तुम्हारे नाइट्रोजन के पास। समझ में आ गया, क्या हो गया, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी हो जाएगा तुम्हारा ब्रेक, OH जो है वो चले जाएगा कार्बन के पास, और ये जो 2 hydrogen है वो चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास। तो अपने को मिलेगा क्या, देख लो ये क्या मिला यहाँ पर, CH3CH, इसके पास कौन आया ये कार्बन के पास, OH। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा इसको OH, ठीक है। अब वहाँ पर कौन है, वहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन, उसको एक ऊपर हाइड्रोजन, उसके साथ साथ HCl, उसको और 2 H चले गए, ये एक H ये एक H। तो इसको इकट्ठा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NH4Cl, ठीक है, इसको मैं इकट्ठा ऐसे लिख सकता हूँ। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो ये जो OH है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, मतलब इसका क्या मिलेगा अपने को, इसको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको अपन टॉटोमेरिज्म बोल सकते हैं। समझ में आ गया रिएक्शन, समझ में आ गया। वापस एक बार बढ़ा रहा हूँ, देखो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाएगा डबल बॉन्ड में, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, उसके अंदर मैंने H3O+ डाल दिया था, तो OH चले जाएगा कार्बन के पास, और जो 2 hydrogen से वो चले जाएंगे किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो आपको मिलेगा यहाँ पर NH4Cl और यहाँ पर मिलेगा आपको एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है।